आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का नॉमिनेशन है, ऐतिहासिक नामांकन होगा। लखनऊ में एक तरफा चुनाव है, एक तरफा लड़ाई है और यहाँ विपक्ष लड़ाई में नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश में 80-80 सीटें जीतेंगे और अखिलेश 0 सीट पाएंगे। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, फेल है। जो जीत का फासला था वो था 272,000 का, जबकि 2019 में 3,00,000 से ज्यादा भारी मतों के मार्जिन से विराजनाथ सिंह ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार पुराने रिकॉर्ड सारे टूट जाएंगे। ऐसे में देखिए आपकी जो आसपास का पूरा इलाका है, ये है आपके आसपास का इलाका जिसमें बीजेपी दफ्तर है, साथ ही विधानसभा का जो कार्यालय देख रहे हैं आप वो भी यहाँ पर है। और अब देखिए जो स्थानीय विधायक है, जो नेता है, उनका भी जो काफिला है वो भी लगातार पहुंच रहा है। प्रदेश सरकार के कई ऐसे मंत्री हैं जो राजनाथ सिंह के नामांकन में शामिल रहेंगे। प्रयास दरअसल यह है कि नामांकन के जरिए लखनऊ जो राजधानी है यहाँ से बीजेपी की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया जाए। पाठक जी बात करने के लिए जुड़ रहे हैं क्योंकि आज राजनाथ सिंह का नामांकन है। राजनाथ सिंह के नामांकन से पहले जुलूस निकाला जा रहा है। सर ये बताइए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का नॉमिनेशन है। लखनऊ लोकसभा के सभी कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। 10 बजे यहाँ से निकल करके कलेक्ट्रेट जाएंगे और ऐतिहासिक नामांकन होगा। लखनऊ में एक तरफा चुनाव है, विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, फेल है। लेकिन मार्जिन क्या होगा इस बार की जीत का? मार्जिन क्या? एक तरफा लड़ाई है और यहाँ विपक्ष लड़ाई में नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे 400 सीट हारने जा रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में 80-80 सीटें जीतेंगे और अखिलेश 0 सीट पाएंगे। ब्रजेश पाठक है जो दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव 0 सीट पाएंगे, लेकिन इस बीच बता दूं मैं आपको कि बीजेपी दफ्तर पे जबरदस्त हलचल है क्योंकि राजनाथ सिंह का नामांकन का जो जुलूस है वो यहाँ से शुरू होने वाला है और उसको लेकर के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। लिहाजा कुछ देर के बाद यहाँ से नामांकन का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। कुछ देर में राजनाथ सिंह भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, लिहाजा बस कुछ मिनटों का वक्त बचा हुआ है जब राजनाथ सिंह यहाँ से निकल करके कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और नामांकन दाखिल करेंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का नॉमिनेशन है, ऐतिहासिक नामांकन होगा। लखनऊ में एक तरफा चुनाव है, एक तरफा लड़ाई है और यहाँ विपक्ष लड़ाई में नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश में 80-80 सीटें जीतेंगे और अखिलेश 0 सीट पाएंगे। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, फेल है। जो जीत का फासला था वो था 272,000 का, जबकि 2019 में 3,00,000 से ज्यादा भारी मतों के मार्जिन से विराजनाथ सिंह ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार पुराने रिकॉर्ड सारे टूट जाएंगे। ऐसे में देखिए आपकी जो आसपास का पूरा इलाका है, ये है आपके आसपास का इलाका जिसमें बीजेपी दफ्तर है, साथ ही विधानसभा का जो कार्यालय देख रहे हैं आप वो भी यहाँ पर है। और अब देखिए जो स्थानीय विधायक है, जो नेता है, उनका भी जो काफिला है वो भी लगातार पहुंच रहा है। प्रदेश सरकार के कई ऐसे मंत्री हैं जो राजनाथ सिंह के नामांकन में शामिल रहेंगे। प्रयास दरअसल यह है कि नामांकन के जरिए लखनऊ जो राजधानी है यहाँ से बीजेपी की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया जाए। पाठक जी बात करने के लिए जुड़ रहे हैं क्योंकि आज राजनाथ सिंह का नामांकन है। राजनाथ सिंह के नामांकन से पहले जुलूस निकाला जा रहा है। सर ये बताइए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का नॉमिनेशन है। लखनऊ लोकसभा के सभी कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। 10 बजे यहाँ से निकल करके कलेक्ट्रेट जाएंगे और ऐतिहासिक नामांकन होगा। लखनऊ में एक तरफा चुनाव है, विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, फेल है। लेकिन मार्जिन क्या होगा इस बार की जीत का? मार्जिन क्या? एक तरफा लड़ाई है और यहाँ विपक्ष लड़ाई में नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे 400 सीट हारने जा रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में 80-80 सीटें जीतेंगे और अखिलेश 0 सीट पाएंगे। ब्रजेश पाठक है जो दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव 0 सीट पाएंगे, लेकिन इस बीच बता दूं मैं आपको कि बीजेपी दफ्तर पे जबरदस्त हलचल है क्योंकि राजनाथ सिंह का नामांकन का जो जुलूस है वो यहाँ से शुरू होने वाला है और उसको लेकर के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। लिहाजा कुछ देर के बाद यहाँ से नामांकन का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। कुछ देर में राजनाथ सिंह भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, लिहाजा बस कुछ मिनटों का वक्त बचा हुआ है जब राजनाथ सिंह यहाँ से निकल करके कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और नामांकन दाखिल करेंगे।